चोरा मेरे मज पम्मट खाना वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम्मट खाना वेर मणि सिखा। पहले आप ये एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो एक शेरों का समूह है वो एक भैंस पर या भैंसे पर हमला कर रहा है और उसको जान से मारने की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो उसका भोजन है। मगर वो जो भैंसा है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अकेला कामयाब नहीं हो पा रहा है। थोड़ी देर बाद दूसरा भैंसा आता है और उस भैंसे को देखकर शेर भाग जाते हैं। सिर्फ एक और भैंसा आता है, यानी एक और एक 11 हो जाते हैं, तो शेर भाग जाते हैं। फिर और भी भैंसे आ जाते हैं तो सारे के शेर भाग जाते हैं। इस वीडियो को मुझे एक व्यक्ति ने भेजा और उसने और भी जगह भेजा होगा और नीचे लिखा हुआ है संगठन की क्यों आवश्यकता है इसको देखिए। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि इस व्यक्ति को संगठन की महत्ता का पता है और ये खुद एक संगठन चलाता है, अपना फोटो छापता है, लोगों को मनोनीत करता है, यानी लोगों को शहर देता है। तुमको बरेली दे दिया, तुम बरेली के इंचार्ज हो। तुमको उत्तर प्रदेश दे दिया, तुम उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हो। तुमको लखनऊ दे दिया, तुमको लखनऊ के इंचार्ज हो। तुमको तमिलनाडु दे दिया, तुम तमिलनाडु के इंचार्ज हो। ये शहर बांटता रहता है लोगों को और बातें करता रहता है, बड़ा मीठा मीठा बोलता है क्योंकि नेता है। तो मुझे थोड़ी उम्मीद जागी क्योंकि मैं इसके कॉन्टैक्ट में था नेता के, तो मैंने शायद आज नेताजी को समझ में आ गया है कि संगठन क्या होता है। चलो अच्छा है, बात कर ली जाए तो कुछ बात बने। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो फ़ोन लगा नहीं, बिजी होंगे, उनका फ़ोन आया तो मैंने पूछा क्या हाल चाल है, ये है वो है। तो मैंने कहा आपने एक वीडियो भेजी है, वो मैंने देखी, बड़ी अच्छी वीडियो। कह रहे हाँ लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कहा नेताओं को समझ में नहीं आती ये बात, तो कह लगे हाँ नेताओं को समझ में नहीं आती है ये बात और नेताओं ने जो वीडियो है। तो मैंने कहा ये जो नेता है ये हमें मरवा देंगे। कह लगे हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये नेता हमें मरवा देंगे। तो मैंने कहा आप भी नेता हो? कह लगे नहीं हम नेता नहीं हैं। मैंने आप तो संगठन चलाते हो, प्रचार प्रसार करते हो, आप नेता हो? कह नहीं हम नेता नहीं हैं। तो फिर नेता कौन है? दरअसल जब आप किसी से व्यक्ति से ये कहेंगे कि संगठित हो जाओ और तुमको संगठित होना चाहिए, तो वो ऐसे ऐसे बहाने करेगा कि हम तो नेता नहीं हैं, जबकि वो नेतागिरी का काम कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, लोगों को शहर बांट रहा है, लोगों को जिले दे रहा है, लोगों को स्टेट बांट रहा है, लोगों को जागीरें बांट रहा है, जिम्मेदारी बांट रहा है, तो नेतृत्व दे रहा है, तो उनसे बड़ा नेतृत्व है, तो उनका नेता है। मगर ये सवाल बड़ा मुश्किल है कि भाई वो औरों को तो कह रहा है कि देखो शेर जो शिकार कर रहे थे भैंसे का और भैंसे और आगे तो जान बच गई तो तुम इकट्ठे हो जाओ, मगर ये बात वो खुद पे लागू नहीं कर रहा है। क्योंकि खुद पे लागू करेगा तो उसको इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे होने की समस्या ये है कि वो अपना एक स्वतंत्र संगठन चलाता है, उसका वो एक छत्र राजा है, उसका एक छत्र नेतृत्व करने वाला नेता है और वहाँ उसकी मर्जी है किसको बरेली दे, किसको वो शाहजहाँपुर दे, किसको वो उत्तर प्रदेश दे, किसको वो तमिलनाडु दे, किसको वो कर्नाटक दे, उसकी मर्जी है। तो लोग उससे पूछते हैं फ़ोन करके कि कुछ हमें भी दे दो, उसको ऐसा क्यों दिया, हमको वो दिया। वो सुख बड़ा ज़बरदस्त है, फिर पैसे भी इकट्ठे करता होगा कि इसमें कार्यक्रम करना है इसका पैसा भेजो, ना भी करता हो कह नहीं सकता, मैं जानता नहीं, मगर अधिकतर लोग करते हैं। तो कोई इस सुख में कि मुझे फ़ोन आते हैं जाते हैं तो मैं बड़ा प्रधान हूँ, मेरी पहुँच है, मुझे पूछा जाता है। कोई इस सुख में कि पैसा आता है तो घर गृहस्थी चलती है। कोई इस उम्मीद में कि आज मैं संगठन बना लूँगा तो मैं कर लूँगा, मतलब ये भरोसा बड़ा ज़बरदस्त है लोगों को कि मैं कर लूँगा, मैं लाइन खींच लूँगा। अरे देखो ये जो नेता बना है ये भी कल तक क्या था, स्कूटर पर किक मारता था, इसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता था, आज ये जहाज़ों में घूमता है, आज इसके पास पैसा है, आज इसने बिल्डिंग बना ली, आज लोगों को गुमराह करके ये कर लिया। ये जो उदाहरण वो देखता है उससे उसकी और ज़्यादा मजबूती आती है कि मैं भी कर लूँगा और मैं ही कर लूँगा। ऐसा भी उसको रात को जब सोता है तो ऐसा सपना आता है कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही काबिल हूँ। ऐसे जितने लोग हैं वो सपने से बाहर निकल आइए। इसलिए निकल आइए क्योंकि व्यक्तिवाद का और व्यक्तियों के नेता बनने का समाज ने सपना छोड़ दिया है। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति
कितना भी कॉम्पिटेंट हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना भी कामयाब हो, कितना भी मीठी बात करता हो, कितने भी अच्छे वक्ता हो, कितने अच्छे विचार देता हो, कितनी बढ़िया किताब लिखी हो, कितना उसके पास पैसा हो, कितना शान और शौकत हो और कितनी पावर हो, और चाहे वो गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो। अब लोग व्यक्तियों को समझ चुके हैं, ऊब चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि समण समाज एससी एसटी ओबीसी में व्यक्तियों के चेहरे खत्म हो चुके हैं। अब लोग व्यक्तियों के चेहरे के भुलावे में या चक्कर में नहीं आने वाले हैं। वो चला गया, उनको इस बात की याद आ चुकी है कि हम पहले संघ में थे, हम पहले साक्य संघ में थे, हम पहले वज्जी संघ में थे, हम अब भारत गणराज्य संघ में हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। संघ ही हमारा नेतृत्व करेगा, संघ का नेता संघ ही होगा, अब व्यक्ति नहीं हो सकता। और व्यक्ति को अगर इतना घमंड है और इतना गुरूर है और उसको लगता है कि वो बड़ा काबिल है, बड़ा पीएचडी है, बड़ा अफसर है, बड़ा नेता है, बड़ा नेतृत्व करने वाला है, बहुत अच्छा भाषण देता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो संघ में हाथ आजमा के देख ले, क्योंकि संघ बन चुका है। वी द पीपल के लोगों ने संघ बना लिया है। अब वी द पीपल समन संघ है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो संघ में आ जाए और अपनी काबिलियत प्रूव करे और संघ के निर्णय को अपने निर्णय में बदल के दिखा दे, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही करना है ना कि लोगों का काम लोगों के द्वारा लोगों के लिए। तो वो चीज़ें खत्म हो गई, व्यक्ति का काम व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के लिए, यानी इंडिविजुअल का काम इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल के द्वारा, वो खत्म हो गया, आई खत्म हो गया, मेरा काम मेरे द्वारा मेरे लिए खत्म, अब है हमारा काम हमारे द्वारा हमारे लिए। इसको बोलते हैं संघ, समण संघ। ये कंसेप्ट पुराना कंसेप्ट है, बुद्ध से भी पहले का, क्योंकि बुद्ध भी समण संघ में आते थे और जब वो सिद्धार्थ गौतम थे तब भी संघ में थे और उससे पहले संघ चलता था। बुद्ध ने तो भिक्खु संघ और भिक्खुणी संघ बनाया, ये जो बाकी लोगों का संघ है तो पहले से चला आ रहा है। तो वही लोगों को याद आ गया कि हमारा जो कल्याण होगा, अब जो हमारी गति होगी, सदगति होगी, सुगति होगी, वो संघ में है, व्यक्ति में नहीं है। इसलिए लोग अब व्यक्तियों के चेहरे पे थूकेंगे, उनके चेहरे पे लात मारेंगे, उनके चेहरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी नाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। कोई होगा मूर्ख जो नहीं समझेगा, कोई होगा ऐसा गधा, या होगा कोई ऐसा मतलबी, या होगा कोई ऐसा मौका परस्त जो इस चक्कर में लगा होगा कि इस व्यक्ति के साथ लगूं, इसका चेहरा बढ़ाऊं, मेरा भी कोई काम हो जाए। मगर भारत के अंदर समण समाज में व्यक्तियों की एक्सेप्टेंस, यानी व्यक्तियों के चेहरे या व्यक्तित्व की जो स्वीकारता है, वो खत्म हो चुकी है। अब नहीं चलेगा कोई भी, अब तो संघ ही चलेगा। और ये यकीन मानिए कि संघ ही बचाएगा, संघ ने ही पहले बचाया था भारत को, संघ ही अब बचाएगा, इस बार समण संघ बचाएगा। और वी द पीपल में जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि समण संघ में काम करना चाहिए, अपनी सेवाएं देनी चाहिए, आप में एबिलिटी है, काबिलियत है, तो आ जाइए। और अगर अभी अजमाना है कि हम तो नेता हैं कर सकते हैं, तो अजमाते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। 2-3 साल बाद आपके दांत टूट के ज़मीन पर गिरने वाले हैं, आपके घुटने टूट के ज़मीन पर गिरने वाले हैं, आपके बस की नहीं है, आपका मादा नहीं है, क्योंकि जो नेतृत्व है वो लोगों से चलता है और लोगों का रुझान अब व्यक्ति में नहीं है, संघ में है। लोग अब संघ को ट्राई करेंगे, ऐही पस्सी को आएंगे और देखेंगे, आओ और देखो संघ को देखो। इसलिए उन जो नेता थे, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि देखो अभी ये नेता पने से निकल के नहीं आए, रात को सोते होंगे तो सीएम की शपथ लेते होंगे और सुबह को उठते होंगे तो प्रधानमंत्री की तरह शपथ लेकर उठते होंगे। हर आदमी सपने में है, जल्दी ही निकल जाएगा जब चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, और खेती तो है नहीं, दुकान कोई खोली नहीं, व्यापार भूल चुके हैं, इंडस्ट्री का काम भूल चुके हैं, विदेश में कोई पूछेगा नहीं क्योंकि बुद्धिस्ट नहीं बने तो बुद्धिस्ट कंट्री पूछेंगे नहीं, मुसलमान है नहीं, ईसाई है नहीं, सिख है नहीं, जो कनाडा चले जाएंगे, तो करोगे क्या? तो जियोगे या मरोगे, इकट्ठे होगे, बाद में इकट्ठे होगे तो बाद में बचोगे, अभी इकट्ठे होगे तो अभी बचोगे। तो जितनी जल्दी बचना है उतनी जल्दी इकट्ठे होना है, और व्यक्ति के पीछे नहीं होना, ये गलती नहीं करनी, संघ में आना है, संघ के साथ जाना है, सबके साथ रहना है, सबके साथ इकट्ठे होना है। धन्यवाद।
साधु साधु।